नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेठ आनंदराम जयपुरिया कॉलेज का ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा, उस समय आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ देखिए 3 डॉट्स दिया हुआ है, तो यहाँ आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, तो यहाँ आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सर्च बार में आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है sajaipuriacollege.in, ये आप लोगों को सर्च करना है। तो देखिए, सर्च करने के बाद ये जो कॉलेज का सेठ आनंदराम जयपुरिया कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद यहाँ देखिए आप लोग नीचे आइएगा, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू जयपुरिया कॉलेज, उसका नीचे में लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन 2020 और 2021, तो यहाँ आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को पूरा नीचे आना है। देखिए पूरा आप लोगों को नीचे आना है, तो देखिए जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो यहाँ आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए एक फिर से न्यू पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा यहाँ नीचे आना होगा। देखिए मैं जूम करके बता रहा हूँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ रहेगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो यहाँ आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए फिर से न्यू पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ रहेगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन यूजी एडमिशन 2020-21। यूजी मतलब दोस्तों अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि यूजी का मतलब क्या होता है, तो यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ कीप योर 10+2 मार्कशीट रेडी वाइल फिलिपिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका मतलब दोस्तों आप लोग अपना 12 का जो मार्कशीट है वो अपना लेकर जाइएगा। उसके बाद लिखा है टेक केयर टू एंटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड फुल मार्क एंड पास मार्क एक्सैक्टली एज प्रिंटेड ऑन द मार्कशीट। तो आप लोगों का जो मार्कशीट का प्रिंट आउट रहेगा वो आप लोगों को लेके जाना है। उसके बाद बोला गया है द स्कैन कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू बी अपलोड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस मैंडेटरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब बोला गया यहाँ देखिए नीचे डॉक्यूमेंट दिया गया है, ये सब का आपको स्कैन कॉपी करके अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए नोट बोल के लिखा हुआ है मोबाइल कैप्चर फोटो इज नॉट अलाउड। मतलब आप लोग जो मोबाइल से फोटो कैप्चर करते हैं वो फोटो आप लोगों को अपलोड नहीं करना है, ठीक है। स्कैन का होता है वो आप लोगों को स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ देखिए डिटेल्स में बता दे रहा हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर में बोला गया है योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, उसका साइज लेस देन 100 KB। बोला कि आप लोगों का जो अभी का फोटो है वो आप लोगों को अपलोड करना है, कोई भी पुराना जो फोटो है वो आप लोगों को अपलोड नहीं करना है, और जो फोटो का साइज रहेगा 100 KB रहेगा। उसके बाद दूसरा नंबर बोला गया है योर फुल सिग्नेचर 1 cm 4 cm साइज लेस देन 50 KB, और यहाँ पे बोला गया है आप लोगों को सिग्नेचर करना है और सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके उसको अपलोड करना है, और जो सिग्नेचर का साइज रहेगा 1 cm से 4 cm, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोला गया तीसरे नंबर में योर 10+2 मार्कशीट साइज लेस देन 200 KB, उसके बाद बोला गया है आप लोगों का जो 12 का मार्कशीट है वो आप लोगों को अपलोड करना है, इसका जो साइज रहेगा 200 KB, ठीक है। तो आज बोला गया है एज प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट क्लास 10 एडमिट कार्ड, ठीक है। ये दोनों में से आप कोई एक अपलोड कर सकते हैं, या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए या 10 का एडमिट कार्ड अपलोड कीजिए, और इसका जो साइज रहेगा
वो लेस देन 200 KB, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 5 नंबर में, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC A OBC B इफ एप्लीकेबल। यदि आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लोग इसे अपलोड कीजिएगा, अगर नहीं है तो जरूरत नहीं है इसका अपलोड करने का। स्क्वायर का जो साइज है लेस देन 200 KB, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में बोला गया है PWD पर्सन विथ डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास अगर है, इफ एप्लीकेबल अगर है तो इसे आप लोग स्कैन करके अपलोड कीजिएगा और इसका साइज रहेगा लेस देन 200 KB, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर में बोला गया है इनकम BPL सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप लोगों के पास है इनकम सर्टिफिकेट या BPL का तो आप लोग इसे अपलोड कीजिएगा, इसका जो साइज रहेगा लेस देन 200 KB, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 8 माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट स्टूडेंट ऑफ WB CHSE CBSE ISC NOI WB RMB इफ एप्लीकेबल, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग इसे अपलोड कीजिएगा और इसका जो साइज है 200 KB, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में बोला गया है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन CU, अगर आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड किए हुए हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है और इसका जो साइज रहेगा 200 KB, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन आइडेंटिटी कार्ड एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। उसका बोला गया है कि ईमेल एड्रेस एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप लोग एक रिक्वायर्ड ईमेल आईडी बना लीजिएगा जो पर्सनल आपका है, ये नहीं कि फेक ईमेल आईडी से आप लोग उसे बना दिए, आपका जो ओरिजिनल ईमेल आईडी है वो आप लोग वहाँ पे फिलअप कीजिएगा। उसके बाद बोला गया मोबाइल नंबर एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप लोग का जो मोबाइल नंबर है वो अभी सही से आप लोग फिलअप कीजिएगा। उसके बाद बोला गया है ब्लड ग्रुप रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी मतलब आपको जो ओरिजिनल कॉपी है वो आप लोगों को वेरिफिकेशन जब कॉलेज में बुलाएगा तो उस समय आप लोगों को ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है। उसके बाद बोला गया है एड्रेस प्रूफ एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, तो आप लोगों को जो एड्रेस प्रूफ है वो आप लोग वेरिफिकेशन का समय लेकर जाइएगा। उसके बाद यहाँ देखिए बोला गया वार्निंग, तो आप लोगों को देखिए ये सब बात का ध्यान रखना होगा। बोला गया है एडॉप्शन ऑफ एनी अनफेयर मींस इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ इनकरेक्ट डाटा इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन और एडमिशन प्रोसेस और सबमिशन ऑफ फॉल्स फॉरगेट डॉक्यूमेंट मार्क्सिट सर्टिफिकेट ETC विल अट्रैक्ट सर्वाइव पनिशमेंट इंक्लूड कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट एंड लीगल एक्शन इफ रिक्वायर्ड। यहाँ बोला गया यदि आप लोग गलत सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट अगर अपलोड करते हैं तो आप लोगों का ऊपर लीगल कार्रवाई किया जाएगा, इसलिए आप लोगों का जो सही है आप लोगों पास जो डॉक्यूमेंट है वही आप लोग अपलोड करें, ना कि कोई गलत चीज़ अपलोड करें। उसका दूसरा नाम बोला गया है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी डन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस एडमिशन इज लायबल टू बी कैंसल इफ द डॉक्यूमेंट आर फाउंड नॉट कॉन्फॉर्मिटी विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन डाटा एंड डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर आप लोग को बोला गया है जो आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो सबका वेरिफिकेशन के लिए आप लोग सब ओरिजिनल कॉपी लेकर जाइएगा, अगर वो उससे मैच नहीं होता है तो आप लोग को जो ऑनलाइन एडमिशन का जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो सही है वही सब आप लोग अपलोड करें तो आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो सही सही आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स में बता दिया है कि आप लोगों को ऑनलाइन एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी भी आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।